अपमान किया जा रहा है, ये बहुत दुखद घटना है। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में एग्जाम देना गुनाह बात है? देखिए, हम लोगों ने पुतला इसलिए जलाया है, हमारे बिहारी छात्र, बिहारी भाई अंकित यादव जो कि दानापुर के रहने वाले हैं, उनको बेरहमी से रूम में घुस करके सिलीगुड़ी में पीटा जाता है। जब बिहार का छात्र पीटा जा रहा था, वही बात मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी, बंगाल आप भी वोट मांगने जाइएगा, उस दिन आपसे भी बिहारी छात्र प्रश्न करेंगे कि उस दिन कहाँ थे तेजस्वी जी जब हमारा भाई और बहन यहाँ पिटाते आ रहा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बंगाल में कल एक घटना घटी, एक छात्र को कुछ बंगालियों ने जिस तरीके से पकड़ कर पीटने का काम किया है, दरअसल वो सभी छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे और उन सभी छात्रों को पीटा गया, परीक्षा देने से मना करने की बातचीत कही गई, जिसके बाद से देखिए आप श्री रामविलास की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ममता बनर्जी का पुतला जो है पीटा जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ममता बनर्जी का जो पुतला है वो फूका जा रहा है। जिस तरीके से बंगाल में कल छात्रों के ऊपर में बर्बरता की गई और जिस तरीके से पीटने का काम किया गया, ममता बनर्जी के खिलाफ और युवा मोर्चा देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर काम यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पर काम किया गया है, ममता बनर्जी का पुतला है और ये पुतला जो है वो जलाया जा रहा है। पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है उनका पुतला यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, करेंगे पश्चिम बंगाल में पीटा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, ये बहुत दुखद घटना है। मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में एग्जाम देना गुनाह बात है? मैं बिहार के विपक्ष के लोगों के विपक्ष के नेताओं से बात करना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जब बिहारी छात्रों को पश्चिम बंगाल में माना पीटा जा रहा है, आपके गठबंधन का सरकार, विपक्ष के गठबंधन का सरकार पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं ममता बनर्जी से मांग करते हैं कि वहाँ पर बिहारी छात्रों को न्याय मिलना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने पुतला इसलिए जलाया है, हमारे बिहारी छात्र, बिहारी भाई अंकित यादव जो कि दानापुर के रहने वाले हैं, उनको बेरहमी से रूम में घुस करके सिलीगुड़ी में पीटा जाता है, उनको बोला जाता है बार बार कि तुमको यहाँ एग्जाम नहीं देना है। उस वीडियो में अगर भाई बंधु आप लोग भी देखेंगे तो वो पैर पकड़ते हुए माफी मांग रहा है। आखिर हमेशा ही बंगाल में ऐसा क्यों होता है, या बिहारी युवाओं के साथ ही देश में हर जगह ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता एक कड़ा रुख लेने जा रहे हैं और ये आज पहला आंदोलन है। मैं चेताना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को और मांग करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ यहाँ के विपक्ष के नेता जो अपने आप को युवा सम्राट कहते हैं तेजस्वी यादव जी से, कि युवाओं को लेते हुए आप मौन व्रत क्यों हो जाते हैं? बंगाल में जब अंकित यादव की पिटाई होती है तो आप चुप्पी साफ क्यों लेते हैं? क्या ममता जी बिहार में अगले साल आइएगा और यहीं के युवा सम्राट के साथ आपको भी वोट मांगने आना है। उस दिन बिहार का युवा छात्र पूछेगा कि आखिर उस दिन आप कहाँ थी जब बिहार का छात्र पीटा जा रहा था। वही बात मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी, बंगाल आप भी वोट मांगने जाइएगा, उस दिन आपसे भी बिहारी छात्र प्रश्न करेंगे कि उस दिन कहाँ थे तेजस्वी जी जब हमारा भाई और बहन यहाँ पिटाते आ रहा। क्या मांग करेंगे? मांग क्या, हम राष्ट्रपति जी से, हमारी पार्टी मांग करती है कि वहाँ जल्द से जल्द सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।